थोड़ा सब्र रख अभी इम्तिहान जारी है, थोड़ा सब्र रख अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद आकर कहेगा चल अब तेरी बारी है। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है। आज हमारा टॉपिक जीके का है। आज हम लोग जीके का 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इससे पिछले क्लास का कि लास्ट का जो हमने जीके का क्लास किया था उसमें हमने एक क्वेश्चन को छोड़ा था कि ऐसा कौन सा फल है जो 2 साल में पकता है, वह कौन सा फल है जिसे पकने में 2 वर्षों का समय लगता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर है पाइन एप्पल, अर्थात अनानास एक ऐसा फल है जिसको पकने में 2 वर्षों का समय लगता है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। व्हिच इज द नेशनल वेजिटेबल्स ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कद्दू, अर्थात कदीमा। कई लोग कद्दू को कदीमा भी करके पुकारते हैं। तो भारत की जो राष्ट्रीय सब्जी है वो कद्दू या कदीमा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना फल कौन सा है। सबसे पुराना फल कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर है खजूर। खजूर सबसे पुराना फल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों या वनों का राजा क्या है। वृक्षों या वनों का राजा किसे कहा जाता है। तो वृक्षों या वनों का राजा टीक को कहा जाता है। टीक एक वृक्ष है, इसे ही वनों या वृक्षों का राजा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनाजों की रानी किसे कहते हैं। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मक्का। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है। ईश्वरीय भोजन क्या है, ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है। तो ईश्वरीय भोजन कोकोआ को कहा जाता है। कोकोआ ईश्वरीय भोजन माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। दलहनों अर्थात दालों का राजा किसे कहा जाता है। तो दालों का राजा चना को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनों की रानी अर्थात दालों की रानी किसको कहते हैं। तो दालों की रानी मटर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है। गरीबों का फल किसे कहते हैं। तो गरीबों का फल बेर को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको प्लम भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट एक बार में कैमल एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है। ऊंट एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है। तो ऊंट एक टाइम में एक बार में 60 लीटर पानी पी सकता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मछलियों की रानी किसे कहा जाता है। मछलियों की रानी किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है हिल्सा। मछलियों की रानी हिल्सा को कहा जाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।